अपने दोस्तों में माइक के नाम से मशहूर मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 फरवरी सन 1978 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और इनकी माँ का नाम श्रीमती सुशीला शर्मा है। मेजर मोहित शर्मा के परिवार वाले चाहते थे कि वे इंजीनियर बने, क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि मेजर मोहित शर्मा आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि मेजर मोहित शर्मा के बड़े भाई मधु शर्मा उनके मुकाबले पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने भी एक बार इंडियन आर्मी के लिए ट्राई किया था, लेकिन वे शामिल नहीं हो पाए थे। और इसी वजह से मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों को लगा कि उनके बड़े भाई मधु शर्मा पढ़ाई में इतने अच्छे होने के बावजूद इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हो पाए, तो मेजर मोहित शर्मा के लिए भी इंडियन आर्मी में शामिल होना मुश्किल है। मेजर मोहित शर्मा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन स्थित मानव स्थली स्कूल से प्राप्त की और बाकी की शिक्षा होली एंजल स्कूल और डीपीएस स्कूल गाजियाबाद से प्राप्त की। मोहित शर्मा बचपन से ही इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने कक्षा 12वीं में ही एनडीए एग्जाम दिया और उसे क्लियर करके सन 1995 में भारत के प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल हो गए। वे अपने एनडीए कोर्स के दौरान अपने बैच के सबसे एक्सीलेंट कैडेट में से एक थे। मेजर मोहित शर्मा उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें उस समय के राष्ट्रपति के आर नारायण से राष्ट्रपति भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मेजर मोहित शर्मा 11 दिसंबर सन 1999 को इंडियन एकेडमी से पास आउट होकर 5वीं मद्रास रेजिडेंट में कमिश्नर हुए। उसके बाद उन्होंने कश्मीर 38 RR के साथ मिलकर कई इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। और उनकी इस वीरता के लिए मेजर मोहित शर्मा को उनके तीसरे साल में ही सन 2002 में पहले ग्लेनेटरी मेडल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेजिडेंशन से सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा के परिवार वाले चाहते थे कि वह ऐसी रेजिमेंट में शामिल हों जहां पर ज्यादा खतरा ना हो, लेकिन मेजर मोहित शर्मा की इन चीजों को लेकर योजना कुछ और ही थी, क्योंकि वह हमेशा से ही इंडियन आर्मी के कमांडो यूनिट को ज्वाइन करना चाहते थे। इसीलिए अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से जून सन 2003 में इंडियन आर्मी में फर्स्ट पैरास्टाफ में शामिल हुए। मेजर मोहित शर्मा जनवरी 2005 और दिसंबर 2006 में बेलगांव में स्थित कमांडो विंग में कमांडो इंस्ट्रक्टर भी रहे थे। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस के जवान ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं जिससे वे वहां के स्थानीय लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकें। और इसीलिए मेजर मोहित शर्मा ने भी कश्मीर में अपने एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान बड़े बड़े बाल और लंबी लंबी दाढ़ी रखना शुरू कर दिया, ताकि उनके हाव भाव आतंकियों की तरह लगे। और इस तरह मेजर मोहित शर्मा बन गए इफ्तकार भट्ट। इस नाम के साथ वह फिर से अब्बू तोरारा और अब्बू सबयार के संपर्क में आए, जो कि उस समय हिजबुल के कमांडर थे। फिर ये दोनों आतंकियों के संपर्क में आने के बाद मेजर मोहित शर्मा ने इफ्तिकार भट्ट के नाम से इनको यह कहकर विश्वास दिलाया कि इंडियन आर्मी में उनके भाई 2001 में मारे गए थे और अब वे इंडियन आर्मी से हमला करके बदला लेना चाहते हैं। और इसी तरह अपने मनगढ़ंत मंसूबे बताकर उन्होंने उन दोनों आतंकियों से कहा कि इस काम में उन्हें उन दोनों की मदद चाहिए। मेजर मोहित शर्मा ने दोनों आतंकियों को विश्वास दिला दिया कि इंडियन आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला बोलना है और उसके लिए वो जमीनी काम कर चुके हैं। कई बार उन आतंकियों ने उनसे उनकी पहचान भी पूछी, लेकिन इफ्तिकार भट्ट, जो मेजर मोहित शर्मा ही थे, हमेशा ये कहते रहे कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको कुछ सीखना है। लेकिन फिर भी दोनों आतंकियों में से जो अबू तोरारा था, उन्हें मेजर मोहित शर्मा की पहचान के बारे में हमेशा शक रहता था। वो उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछता भी था, लेकिन आखिर वे मेजर मोहित शर्मा के जाल में फंसी गए और वे दोनों ही मेजर मोहित शर्मा की मदद करने के लिए राजी हो गए।
उन्हें यकीन हो गया था कि इफ्तिकार भट्ट का भेष बदल कर आए मेजर मोहित शर्मा वाकई में ही अपने भाई का इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहते हैं। फिर आतंकियों को उन्होंने बताया कि वो कई हफ्तों तक अंडरग्राउंड रहेंगे और आतंकी हमले के लिए मदद जुटाएंगे। मेजर मोहित शर्मा ने उन्हें मना लिया था कि जब तक वह चेक पॉइंट को उड़ा नहीं देते वो घर नहीं लौटेंगे। देखते ही देखते आने वाले दिनों में दोनों आतंकियों ने सारी व्यवस्था कर ली थी। साथ ही पास के गांव से 3 आतंकियों को और बुला लिया था। लेकिन एक बार फिर से अबू दरारा को उन पर शक हुआ, तो इस बार उसका शक दूर करने के लिए मेजर मोहित शर्मा ने उनसे कहा, मेरे बारे में कोई शक है तो मुझे मार दो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से राइफल छोड़ी और आतंकियों से बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। मेजर मोहित शर्मा ने यह बात इतने कॉन्फिडेंस में बोली कि वह दोनों आतंकी असमंजस में पड़ गए। और इतने में मेजर मोहित शर्मा को मौका मिला और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपनी 9 mm की पिस्तौल से दोनों आतंकियों को मार गिराया और उन्होंने 2 गोलियां उनकी छाती पर और 1 सर पर मारी। उसके बाद वो उनके हथियार उठाकर नजदीक के आर्मी कैंप में आ गए। मोहित नहीं, सर इफ्तिकार कहिए। 2009 में इंटेलिजेंस ने एक ही हफ्ते में 3 आतंकियों की पुष्टि की थी और कई अलग-अलग जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए और इसी दौरान 4 आतंकियों को भी मार गिराया गया। फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बताया कि हाफुडा के जंगल में आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप छिपा हुआ है, जबकि आम सोल्जर्स के लिए इन जंगलों में ऑपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी वजह से इसी तरह के ऑपरेशन क्ले के लिए स्पेशल फोर्सेस को ही बुलाया जाता है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए भी ट्रेंड होते हैं। जंगलों से आतंकियों का सफाया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई 2nd RR बटालियन और मेजर मोहित शर्मा की 1st Para SF को। जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था उससे पहले मेजर मोहित शर्मा की होली की छुट्टियां मंजूर हो चुकी थी और वह अपने घर जाने वाले थे। लेकिन फिर इसी दौरान मेजर मोहित शर्मा के साथी के कजन भाई की डेथ हो गई थी और उनके साथी ने कमांडिंग अफसर से 2 दिन की छुट्टी का आग्रह किया था। पर क्योंकि मेजर मोहित शर्मा की छुट्टियों को मंजूरी दी जा चुकी थी, इसीलिए कमांडिंग अफसर ने उनके दोस्त की छुट्टी को मना कर दिया, क्योंकि उस समय स्टाफ की कमी थी। लेकिन जब मेजर मोहित शर्मा को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने कमांडिंग अफसर से अपने दोस्त की छुट्टी के लिए आग्रह किया और उन्होंने कहा कि उनकी छुट्टी 1 महीना एक्सटेंड कर दी जाए। जब उनका दोस्त छुट्टी से वापस आ जाएगा तो उसके बाद वे छुट्टी पर चले जाएंगे। अगर मेजर मोहित शर्मा अपनी छुट्टी को एक्सटेंड नहीं कराते तो शायद वो आज जिंदा होते। मेजर मोहित शर्मा एक बहुत ही दरियादिल इंसान थे और उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए अपनी छुट्टियों को कुर्बान कर दिया। इसके बाद 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा हाफुडा के जंगलों के सही ठिकाने पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस दौरान मेजर मोहित शर्मा करीब 10 जवानों के साथ हाफुडा के घने जंगलों में रात में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए निकल पड़े और फिर इसी ऑपरेशन के दौरान आगे जाके उन्हें कई आतंकियों ने घेर लिया और फिर इस दौरान दोनों तरफ से काफी हैवी फायरिंग शुरू हो गई। आतंकियों के साथ उस मुठभेड़ के दौरान उनके एक और साथी को भी गोली लगी और जबकि मेजर मोहित शर्मा ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने घायल साथी को पीछे किया और बचाने के लिए खींचा और इसी दौरान वे घायल भी हो गए। उन्हें कई सारी गोलियां भी लगी। इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी पीछे हटने से मना कर दिया और आतंकियों का डट कर मुकाबला करते रहे और इसी दौरान आतंकियों का मुकाबला करते करते 21 मार्च सन 2009 को मोहित मेजर शर्मा ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मेजर मोहित शर्मा को आतंकियों के खिलाफ असाधारण वीरता और साहस के लिए अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया।
लेकिन वीर कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और वे इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं।